नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चंदेश टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इसे वीडियो में सीखेंगे IRCTC एप्लीकेशन में आप जो है नॉमिनी का ऐड कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में लाइव करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं एक टिकट बुक किया हूं जिसमें जो है नॉमिनी ऐड करके मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो बहुत मज़ेदार आने होने वाली है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और प्ले स्टोर से आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट करने के बाद लेटेस्ट फीचर ऐड होते रहता है। तो मैं जो है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो है आपका यहाँ पे पासवर्ड देकर या फिर फिंगरप्रिंट देकर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर टच करूँगा तो यहाँ पर मैं एम पिन डाल के अपना और जो है कैप्चा डाल के मैं जो है इसको लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैं आप भी एम पिन और कैप्चा डाल के आप भी इसको लॉगिन हो जाइएगा। तो मैं कैप्चा डाल दिया, अभी मैं लॉगिन पर टच करता हूँ। लॉगिन पर टच करूँगा तो इस प्रकार जो है हमारा IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर आपको टच करना है यहाँ पर मोर पे जब टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा बुकिंग का। तो आपको जो है टच करना है यहाँ पे अकाउंट पे जब टच करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फिर जो है ट्रांजेक्शन पे आप टच करेंगे, ये देखिए ट्रांजेक्शन टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है माई बुकिंग का। तो माई बुकिंग पर जब टच करेंगे तो हमारा जो है टिकट बुक किया हुआ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे आज ही का डेट मतलब 4 नवंबर को ही बुक किया था। ये वाला देखिए 4 नवंबर को ही बुक किया था, 4 नवंबर 2023 को। तो मैं इसको टच करता हूँ। मैं इसको जब टच करूँगा तो ये देखिए दोस्तों हमारा RSC टिकट बुक है। और यहाँ पे नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर फिल नॉमिनी डिटेल्स, ये वाला। तो मैं इसको टच करूँगा, इसको जब टच करूँगा तो ये जो है हमारा इस प्रकार खुलेगा। ठीक है, तो अभी जो है आपका ट्रेन का PNR नंबर जो है ना वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, जो अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल डालने पर यहाँ पे नीचे की तरफ जो है यहाँ पे 5 5 + 6 यानी कि 11 हो जाएगा। तो मैं 11 यहाँ पे डाल दूँगा। यहाँ पे आपका अलग आ सकता है। मैं फिर जो कंटिन्यू पर टच करता हूँ। कंटिन्यू पर जब टच करूँगा तो ये देखिए दोस्तों PNR नंबर नॉट मैचेड लिख रहा है, 2751 93। फिर देखता हूँ मैं 2751 93 2751 93 3200 2751 93 3200 DSL। हाँ, यहाँ 5 + 3 लिख रहा है तो मैं 8 लिखता हूँ। फिर से कंटिन्यू टच करता हूँ। कंटिन्यू टच करूँगा तो यहाँ पे खेल गया है ईमेल आईडी PNR डू नॉट मैच। ईमेल आईडी जो हमारा है मैच नहीं कर रहा है तो मैं ईमेल आईडी को चेंज करता हूँ। आपका ईमेल आईडी जो है ना ये सेम IRCTC से जो लॉगिन होता है वही ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, इसके लिए मैच नहीं करता है। तो मैं वही ईमेल आईडी डालता हूँ। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो है यहाँ पे IRCTC में नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो यहाँ पे कुछ पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने का चांस होता है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिलअप करता हूँ और फिर कंटिन्यू पर टच करता हूँ। कंटिन्यू पर टच करूँगा और ये देखिए दोस्तों हमारा देखिए ये जो है हमारा जो नॉमिनी डिटेल्स है और देखिए खुल गया यहाँ पर। अभी नॉमिनी का नाम क्या है पूछ रहा है यहाँ पर, तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ जो कि हाइड कर दूँगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और उनका एज क्या है तो 1992 है तो 28 28 28 29 31 31 साल हो गया, 31 हो गया उनका। फिर रिलेशनशिप डालता हूँ उनको उनका और उनका मोबाइल नंबर डालता हूँ जो कि हाइड कर दूँगा। डालने के बाद जो है अपडेट नॉमिनी डिटेल्स पे मैं टच कर दूंगा यहाँ पे।
तो मैं टच करूँगा यहाँ पे, तो देखिए अभी हमारा जो है एक सक्सेसफुली जो है आपका जो है ऐड हो जाएगा। देखिए नॉमिनी डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। अभी जो है आपका ट्रेन में सफ़र करेंगे, ट्रेन के दौरान आपका कुछ भी हो जाता है तो आपका जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलने का चांस होता है नॉमिनी डिटेल्स फिल करेंगे तो। अगर नॉमिनी डिटेल्स फिल नहीं करते तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप जो है अपना नॉमिनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।